नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है उसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, या विटामिन सी जो है वह वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरह ही यह विटामिन सी जो है यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड वह भी वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल सकता है। इसी वजह से क्या होता है, जब कभी हम विटामिन सी युक्त खाना ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये जो एक्सेस मात्रा में लिया हुआ जो विटामिन सी है वह हमारे शरीर में किडनी के द्वारा पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि यह जो विटामिन सी जो हमने एक्सेस मात्रा में लिया है वह हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाता। साथ ही में विटामिन सी जो है वह हीट सेंसिटिव है, यानी कि विटामिन सी युक्त जो खाना होता है उसको अगर हम ज्यादा गर्म करते हैं तो उसमें रहा हुआ विटामिन सी जो है वो कुछ मात्रा में नष्ट हो सकता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। विटामिन सी युक्त आहार जो होता है उसमें जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सब्जी का जो सॉलिड पार्ट होता है वो अगर खा लेते हैं और उसमें जो लिक्विड जो पार्ट है उसको अगर अपन छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से उसमें जो विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल होने की वजह से उसके साथ वेस्ट हो जाता है, वह हमारे शरीर में हम नहीं ले पाते, वो वेस्ट हो जाता है। इस वजह से जब भी हम कभी खाना खाते हैं तो सब्जी में जो लिक्विड वाला पार्ट जो होता है उसको भी कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन सी की तरह और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है वह भी वाटर सॉल्युबल होने की वजह से उनके लिए भी यह लागू होता है। तो जब कभी हम सब्जी खाते हैं तो उसका जो पूरा पार्ट है सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कंज्यूम करना चाहिए। इस प्रकार विटामिन सी जो है वह वाटर सॉल्युबल होने की वजह से हमारे शरीर में इसकी एक्सेस मात्रा स्टोर नहीं हो पाती, एक्सेस मात्रा जो है पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इसी वजह से यह जो विटामिन सी है वह हमें डेली जो हम खाना खाते हैं उसमें एक निर्धारित मात्रा में हमें रोज लेने की आवश्यकता रहती है। तो डेली खुराक के माध्यम से विटामिन सी जो है वह कितनी मात्रा में लेना चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो एक एडल्ट मेल जो होता है उसको 90 मिलीग्राम जितना डेली खुराक के माध्यम से विटामिन सी लेने की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार से एक जो एडल्ट फीमेल है उसको 75 मिलीग्राम जितना डेली विटामिन सी जो है खुराक के माध्यम से लेने की आवश्यकता रहती है। वह जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको 85 मिलीग्राम जितना डेली खुराक के माध्यम से विटामिन सी लेना रहता है। उसी प्रकार से वह माताएं जो बच्चे को दूध पिला रही है यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको 120 मिलीग्राम डेली खुराक के माध्यम से विटामिन सी लेने की आवश्यकता रहती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं लंबे वक्त तक, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनके केस में क्या होता है कि विटामिन सी जो है शरीर में से आसानी से डिप्लीट हो जाता है, उसकी कमी देखी जा सकती है। इस वजह से जो लोग लंबे वक्त तक स्मोकिंग करते हैं उन व्यक्ति को 35 मिलीग्राम जितना विटामिन सी जो है एडिशनली लेना होता है, यानी कि अगर वह मेल है तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया 90 मिलीग्राम डेली लेना होता है और वो स्मोकिंग भी करता है तो उसको 35 मिलीग्राम और लेना होता है, यानी कि 125 मिलीग्राम जितना डेली खुराक के माध्यम से विटामिन सी लेने की आवश्यकता रहती है स्मोकर्स में जो लंबे वक्त तक स्मोकिंग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन सी जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है कोलाजन, कोलाजन जो है एक फाइब्रस प्रकार का प्रोटीन है जो हमारी जो टिश्यू है उसमें काफी प्रकार की जो टिश्यू है उनका स्ट्रक्चर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिका जो है जिसमें से होकर ब्लड हमारा बहता है उनकी जो दीवारें जो बनी होती है उनमें कोलाजन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसी प्रकार से हमारे हार्ट का मसल्स हो गया जो और जो दूसरे जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स उनका जो उनको बनाने में भी जो कोलाजन जो है वह महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। हमारे जो बोन है उसमें भी कोलाजन पाया जाता है काफी मात्रा में। बोन का जो एंड का पार्ट होता है जहाँ पे जॉइंट बनते हैं तो ये जो बोन का एंड पार्ट है वहां पे जो एक स्पेशल प्रकार की टिश्यू होती है जिसे कहते हैं कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के प्रोडक्शन में भी कोलाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो कोलाजन जो है हमारे शरीर में उसका प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस प्रकार की कार्टिलेज टिश्यूज होती है, बोन है, स्केलेटल मसल्स है, हार्ट की जो टिश्यू है, साथ में ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है वह कोलाजन से बनी हुई होती है। तो ये कोलाजन का महत्वपूर्ण रोल रहता है जिसको टिकाए रखने में विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे जो फंक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो हमें रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करता है, इन्फेक्शंस के सामने हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसका उसको मेंटेन करने में और उसको एक्टिव रखने में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास करके क्या होता है कि जो ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसमें WBC की रोल महत्वपूर्ण रहता है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो श्वेत कण हमें जिन्हें कहते हैं, यह जो है श्वेत कण वह इन्फेक्शन के सामने हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यह जो श्वेत कण जो है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स इनको एक्टिवेट करने का जो काम है उसमें विटामिन सी का योगदान रहता है। तो इस प्रकार से जो विटामिन सी है हमें इन्फेक्शंस के सामने प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से जब वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा रोल देखा जाता है। इसी वजह से आपने अभी पिछले 2 साल के दौरान जो कोरोना की जो महामारी थी उस दौरान विटामिन सी जो है ट्रीटमेंट के पार्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसके सामने प्रोटेक्शन देने का काम करती थी, इसलिए जो कोविड की जो ट्रीटमेंट होती
होती थी उसमें यह दवाई भी शामिल थी एक सप्लीमेंट के रूप में विटामिन सी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो है कोलाजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह कोलाजन जो है वह जब कभी हमें चोट लगती है तो वहां पे भी उस घाव को जल्दी से भरने के लिए भी मदद रूप होता है, तो वहां पे विटामिन सी का भी अच्छा खासा रोल रहता है कि विटामिन सी से कोलाजन बनता है और वह एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो सेल्स होते हैं उनको जोड़े रखने के लिए बीच का जो मटेरियल जो होता है वह फाइब्रस युक्त होता है, वह कोलाजन से बना होता है, तो यह कोलाजन के प्रोडक्शन में मदद रूप करता है। तो इस वजह से जब कभी हमें चोट लगती है तो उस घाव को भरने में, जल्दी से भरने में, उसकी हीलिंग प्रोसेस में जो है विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से विटामिन सी का एक और फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है। एंटीऑक्सीडेंट रोल का क्या मतलब है? जब कभी हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स जो है हमारे जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करने की क्षमता रखते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। इस वजह से वह जो टिश्यू है डैमेज हो जाती है और उनकी फंक्शनलिटी जो होती है, उनके जो कार्य होते हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न होती है। तो विटामिन सी जो है यह जो फ्री रेडिकल्स केमिकल प्रोसेस के दौरान, जो रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जो उत्पन्न होते हैं फ्री रेडिकल्स, उनको न्यूट्रल करने के लिए विटामिन सी का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो टिश्यूज जो है उनको जो डैमेज है उसको प्रिवेंट करता है विटामिन सी। तो इस प्रकार से उसका एंटीऑक्सीडेंट रोल जो है वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही में विटामिन सी जो है हमारे शरीर में जो कई प्रकार के जो हॉर्मोन्स बनते हैं उनमें भी, उनके प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं योगदान देता है। साथ ही में कुछ जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ब्रेन और नर्व सेल्स जो हमारे होते हैं उनमें कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उनके एक्शन में और उनके प्रोडक्शन में भी विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी जो है हम जो खाना खाते हैं उसमें रहा हुआ जो आयरन जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो आयरन जो होता है हम जो खाने के माध्यम से लेते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हीम आयरन होता है और एक नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन वो होता है जो हम प्राणियों का खाने के तौर पे जो यूज करते हैं, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश है, इनमें रहा हुआ जो आयरन है उसे हीम आयरन कहते हैं। और जो नॉन हीम आयरन यानी कि जो प्लांट बेस्ड होता है, जो फल फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह हम खाते हैं उसमें रहा हुआ जो आयरन है उसे नॉन हीम आयरन कहते हैं। तो जो ये जो विटामिन सी जो है वह नॉन हीम आयरन जो है प्लांट में से जो हमें प्राप्त होता है वह जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब कभी इसकी कमी हो जाती है तो यह जो आयरन है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है, जो RBC यानी कि रक्त कण का महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, जिसका काम हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का होता है। जब कभी विटामिन सी की कमी होती है तो उस वजह से यह आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उस वजह से हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। और यह हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से हमें शरीर में थकान लगना, जल्दी से थक जाना, यह कंप्लेंट्स देखी जा सकती है, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं खून की कमी। जो कभी आपने रिपोर्ट्स में देखे होगा कि इसमें 12% खून है, इसमें 10% खून है, तो यह जो परसेंटेज जो होता है हीमोग्लोबिन का उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो विटामिन सी की कमी की वजह से भी यो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इस वजह से कमी पाई जा सकती है, इस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। तो इस प्रकार से विटामिन सी के फंक्शंस जो है वो हमारे शरीर को इन्फेक्शंस के सामने, बैक्टीरिया और वायरस के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके सामने प्रिवेंट करके रखने का काम जो है वह उसमें भूमिका निभाता है। साथ ही में हमारे शरीर में जो कोलाजन बनता है उसको बनाने, उसके प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में कई हॉर्मोन्स और जो केमिकल मैसेंजर्स बनते हैं उनमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। WBC जो हमारे इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है उनको एक्टिवेट करने में यह जो विटामिन सी है उसका रोल रहता है। साथ ही में यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको न्यूट्रल करने का काम करता है। इस प्रकार से हमारे शरीर को, हमारे शरीर की जो टिश्यूज होती है उनको डैमेज होने से बचाता है, उनको प्रिवेंट करता है और कोलाजन बनाने में मदद रूप होता है। इसी वजह से ये हमारे जो घाव वगैरह होते हैं उनको फटाफट भरने में मदद रूप होता है, यानी कि वुंड हीलिंग में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन सी। मौसम बदलने की वजह से या फिर ठंड के मौसम के दौरान जो हमें सर्दी जुकाम लगता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड, तो ये जो लगने के जो चांसेस है वह भी विटामिन सी की मात्रा अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनी होती है तो उसकी जो सीवियरिटी और उसका जो ड्यूरेशन है यानी कि उसकी जो तीव्रता है सर्दी जुकाम की और उसका जो टाइम है जितने वक्त तक हमें सर्दी जुकाम होता है वो ड्यूरेशन और सीवियरिटी कम करने में विटामिन सी की भूमिका देखी गई है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी जो है किस प्रकार के खुराक से हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो खट्टे फल जो होते हैं उनमें हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, फिर लेमन है, ग्रेप फ्रूट्स है, ग्रेप यानी जो द्राक्ष है, फिर कीवी जो फ्रूट आता है उसमें भी विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, स्ट्रॉबेरीज हो गए जो खट्टे होते हैं उनमें भी विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा में मिलती है, कुछ सब्जियां जो है ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, टोमेटो है, इनमें से भी हमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। फिर बेल पीपर्स यानी कि जो कैप्सिकम मिर्च जो होती है
उनमें से भी विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा में हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे वे कौन लोग हैं जिनको विटामिन सी की जो ये खामी है वो होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो कुछ स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो लंबे वक्त तक स्मोकर्स हैं, लंबे वक्त तक स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें क्या होता है विटामिन सी जो है वह आसानी से डिप्लीट हो जाता है और उसकी मात्रा हमारे शरीर से कम हो जाती है। इस वजह से जो स्मोकर्स होते हैं उनको ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेने की जरूरत रहती है। विटामिन सी की कमी हो जाने की वजह से ये जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो कोलाजन प्रोडक्शन का जो काम होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है और उस वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनमें डैमेजेस होते हैं, जो हार्ट का जो मसल्स होता है उसमें डैमेजेस होते हैं। इस वजह से जो स्मोकर्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उनको डैमेज होने की वजह से। इसी प्रकार से जो लोग लंबे वक्त तक अल्कोहल ले रहे हैं उनमें भी विटामिन सी की कमी पाई जा सकती है। जो अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका आंतों का जो अंदर का जो लेयर होता है, जो अंदर का जो सरफेस होता है वह डैमेज हो जाता है। इस वजह से जब कभी हम खाना खाते हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो अल्कोहल लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कई प्रकार के जो विटामिन है उनकी डेफिशिएंसीज देखी जा सकती है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उनका जो इंटेस्टाइन का आंतों का जो अंदर का लेयर है वह डैमेज होने की वजह से हम जो खाना खाते हैं उसमें जो रहे जो विटामिन है वह हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में वह नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से जो स्मोकर्स होते हैं वे लोग और जो अल्कोहल लेते हैं लंबे वक्त से उनमें विटामिन सी की भी कमी पाई जा सकती है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जिनमें आंतों की बीमारी है तो उस वजह से भी जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता जो विटामिन जो हम शरीर में खाते हैं तो उस वजह से उनको भी कमी होने के चांसेस होते हैं। साथ ही में कुछ लोग जो होते हैं जो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो उस वजह से क्या होता है कि जो पर्याप्त मात्रा में फल फ्रूट और सब्जियां नहीं लेते खाने के दौरान उस वजह से उनमें भी विटामिन की कमी देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी जो है उसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में कोलाजन के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलाजन क्या होते हैं? कोलाजन एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोलाजन हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी बीच की जो जगह होती है वह कोलाजन से भरी हुई होती है। तो हमारे सेल्स की जो स्ट्रक्चर जो हमारे ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी जो उसका जो आकार और जो वो चीज जो मेंटेन होकर रहती है, सेल्स अपनी जगह पे फिक्स होकर रहते हैं उसमें ये कोलाजन जो है वह एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, उनका स्ट्रक्चर बनाए रखता है। तो जब कभी कोलाजन की कमी होती है तो इनके स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं कोलाजन की कमी होने की वजह से और इस वजह से उनकी जो निर्धारित जो कार्य होती है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो कोलाजन युक्त जो टिश्यूज हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोलाजन पाए जाते हैं वह टिश्यूज होती है हमारे बोन, हमारे कार्टिलेज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोन का जो एंड का जो पोर्शन होता है जॉइंट के पास का, तो वह जो स्पेशल टाइप की एक टिश्यू वहां पे बनी हुई होती है जिसे कहते हैं कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज और बोन जो है उनके स्ट्रक्चर बनाने में कोलाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही में हमारी जो ब्लड वेसल्स उनकी जो दीवारें बनी हुई होती है उसमें भी कोलाजन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। हमारे स्केलेटल मसल्स हो गए, कार्डियक मसल्स हो गए, फिर जो हमारे जो मसल्स के जो एंड का पार्ट होता है जिसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो जो टेंडन जिसे कहते हैं टेंडन या टेंडन के जो टेंडन की जो बनावट होती है उसमें भी ये जो कोलाजन है उसकी काफी ज्यादा मात्रा होती है। साथ ही में हमारी जो स्किन है उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में कोलाजन पाया जाता है। तो स्किन का जो स्ट्रक्चर है वह बनाए रखने में भी कोलाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह जो कोलाजन है वह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण घटक है और यह एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है जैसे मैंने आपको बताया। यह एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, हमारे जो सेल्स जो होते हैं हमारे जो दो ऑर्गन्स होते हैं तो उनको कनेक्ट करके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह जो कोलाजन है उसके प्रोडक्शन में विटामिन सी जो होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन सी की जब कभी कमी होती है तो यह कोलाजन की कमी होती है, उसका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता, इस वजह से इन ऑर्गन्स में डैमेजेस होते हैं और उनके जो निर्धारित जो कार्य है उनमें बाधा उत्पन्न होती है। विटामिन सी की जब कभी बात होती है तो उसके साथ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। जब 1500 से लेकर 1800 की साल के दौरान जब समुद्र में जो खोज वगैरह हो रही थी, शिप बना बना के लोग नए नए प्रदेश ढूंढ रहे थे, जिस तरह से कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा या फिर इंग्लैंड से भारत की तरफ आने का जो रास्ता था वो जो टाइम था 1500 से लेके 1800 का जो दौरान का जो वक्त था, उस दौरान बहुत सारे लोग समुद्र की यात्राएं पर निकलते थे, नई नई खोजें करते थे। तो उस वजह से क्या होता था वह लंबे वक्त तक जमीन वाले हिस्से से दूर रहते थे और साथ में यह साइट्रस फ्रूट्स नहीं लेके जाते थे क्योंकि साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ऑरेंजेस है, कीवी है, लेमन है, स्ट्रॉबेरीज है, टोमेटोज है, इन सब ये जो फ्रूट्स होते हैं वह जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो लंबी दूरी पे जाने जब भी व्यक्ति जाते हैं तो इनको साथ ले जाना मुश्किल हो जाता है उस वक्त पे। इस वजह से क्या होता था कि जो ये समुद्र के रास्ते पे जो लोग शिप लेके जाते थे वो लोग यह फ्रूट साथ में नहीं ले जा पाते थे क्योंकि ये खराब हो जाते थे। तो उन लोगों में विटामिन सी की कमी पाई जाती थी और इस बीमारी को कहते थे स्कर्वी। और इसी वजह से 1500 की साल से लेके 1800 की साल के
दौरान करीबन 20 लाख लोगों जितने लोगों की मृत्यु विटामिन सी की कमी की वजह से हुई थी। यह जो एक इतिहास है वह विटामिन सी के साथ जुड़ा हुआ है और काफी टाइम बाद लोगों को पता चला कि एक यह जो विटामिन है उसकी कमी की वजह से यह मृत्यु हो रही है। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं स्कर्वी, और इस स्कर्वी के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसकी हम बात करें तो आपको जो स्क्रीन पे जो बारबोसा दिखाई दे रहा है, ये बारबोसा के जो दांत दिखाई दे रहे हैं वो किस प्रकार के गंदे और इस प्रकार के हैं, तो हमारे जो दांत जिन सॉकेट्स में फंसे हुए होते हैं और वहां के जो मसोड़े होते हैं उन मसोड़े का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें कोलाजन से बना हुआ होता है, तो जब कभी विटामिन सी की कमी होती है तो ये कोलाजन ना बनने की वजह से ये जो मसोड़े होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उनमें सूजन हो जाती है और इस वजह से लंबे वक्त तक अगर ये रहता है तो दांत हमारे जो होते हैं वह टूट जाते हैं, वहां से सॉकेट ढीला होने की वजह से वहां से दांत निकल जाता है। तो साथ ही में विटामिन सी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन में कोलाजन की मात्रा ज्यादा होती है तो स्किन में कोलाजन की कमी हो जाती है विटामिन सी की कमी की वजह से और स्किन डैमेज होती है, स्किन रूखी रूखी सी हो जाती है और जो स्किन जो होती है वह वहां से डैमेज होकर निकलती रहती है और नई जो टिश्यू बननी चाहिए, नई जो स्किन बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, इस वजह से स्किन पे लीजन्स दिखाई देते हैं। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स है उनकी दीवारों में भी कोलाजन ज्यादा मात्रा में होता है, तो जब कभी विटामिन सी की कमी होती है तो यह कोलाजन ना बनने की वजह से ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है वह डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वह डैमेज होने की वजह से वहां पे प्लाक जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है और उसी की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन जो उस रुधिर वाहिकाओं में से हो रहा होता है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है और इस वजह से स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक और ऐसी कई कंडीशंस देखी जाती है जिसमें जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है और हमारा जिस हिस्से को वह ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है वह जो हिस्सा होता है हमारे शरीर का उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड सही से पहुंच नहीं पाता और उसमें डैमेजेस होते हैं और इसी वजह से जो स्किन का जो पोर्शन है वहां पे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है वह कोलाजन की डेफिशिएंसी की वजह से वहां से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और इसी वजह से स्किन का जो वो जो हिस्सा होता है वहां पे खून इकट्ठा होता है और वो जो रेड रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये अगर बड़ा पैच हो जाता है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रूइश, तो इस प्रकार से स्किन पर लीजन्स देखे जाते हैं, टमके टमके से देखे जा सकते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से। हमारे स्किन पर जो हेयर है उनके जो फॉलिकल यानी कि उनकी जो जड़ें होती हैं वह जड़ वाला जो पार्ट होता है वहां पे भी ये कोलाजन युक्त जो टिश्यू होती है वह भरपूर मात्रा में होती है और वो जो हेयर है उसको वहां पे टिकाए रखने में मदद रूप होता है यह कोलाजन। तो जब कभी विटामिन सी की कमी होती है तो यह कोलाजन की कमी होती है और उस वजह से वहां के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल का मतलब होता है जो हमारा जो हेयर है उसकी जो जड़ है उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल, तो वह डैमेज होने की वजह से वह जो बाल जो होता है वो हेयर जो है वहां से उखड़कर निकल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार से हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी डेफिशिएंसी में और जो फीचर्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आगे आपको बताया कि विटामिन सी जो है हमारे जो शरीर में जो इम्यूनिटी जो होती है हमारी उसको मेंटेन करके रखने में मदद रूप रहता है, WBC जो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है उसकी एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विटामिन सी की कमी में क्या होता है हमारा इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो उसकी जो कार्यक्षमता होती है वह कम हो जाती है, इस वजह से हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया और इनके इन्फेक्शन जल्दी से लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारा जो शरीर में कई प्रकार के इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी डेफिशिएंसी की और फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे शरीर में उसमें भी विटामिन सी का महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो जब कभी विटामिन सी की कमी होती है तो यह जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वह कम हो जाता है, इस वजह से हमारे शरीर में जो आयरन की कमी पाई जाती है और उस वजह से आयरन में से जो हीमोग्लोबिन बनने का जो काम होता है वह हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता और वह हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन का जो काम होता है हमारे शरीर में जो ब्लड जो होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन, तो जब कभी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, हमारे टिश्यूज को अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस वजह से हमारे शरीर में हमें थकान सा महसूस होता रहता है जिसकी वजह से हमें वीकनेस महसूस होती है और यह इस कंडीशन में देखा जा सकता है। साथ ही में यह जो आयरन की जो कमी होती है एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से विटामिन सी की कमी की वजह से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो यही जो कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है इस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। तो इस प्रकार से जो हमारे जो ब्लड के जो लोग कहते हैं आपने सुना होगा कई बार कि इसमें इतना प्रतिशत खून है इसमें इतना प्रतिशत खून है वह जो होता है एक्चुअली हीमोग्लोबिन के परसेंटेज होते हैं 12% 11% 10%, इस प्रकार से हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वह विटामिन सी की कमी की वजह से पाई जा सकती है।
तो इस प्रकार से विटामिन सी डेफिशिएंसी जो होती है उस कंडीशन को कहते हैं स्कर्वी। उसमें क्या क्या फीचर्स देखे जाते हैं, तो हमारे जो दांत के जो मसोड़े हैं वह कमजोर हो जाते हैं, वहां पे सूजन आ जाती है, साथ ही में लंबे वक्त तक अगर यह कंडीशन बरकरार रहती है तो वहां से दांत निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी स्किन को मेंटेन करके रखने में कोलाजन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्किन डैमेज होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, उनकी वजह से स्किन पर रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं, स्किन पर जो हेयर होते हैं उनके जो फॉलिकल डैमेज होने की वजह से वहां से हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होती है, उस वजह से इन्फेक्शन वायरस और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। आयरन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है विटामिन सी की वजह से, तो उस वजह से क्या होता है कि जो एनीमिया जैसी कंडीशन देखी जाती है और इसी वजह से हमारे शरीर में हमें कमजोरी सी महसूस होती है, थकान सी महसूस होती है, तो इस प्रकार की लक्षणिकताएं जो है वह विटामिन सी की कमी की वजह से देखी जा सकती है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ इतिहास जो है उसके बारे में हमने बात करी और बारबोसा की भी हमने इस वीडियो में बात करी, तो उसके जो दांत दिखाई दे रहे हैं वो इस वजह से इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से समुद्र के जो यात्री होते हैं वो लंबे वक्त तक जमीन से दूर रहते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, इस वजह से वो लोग अपने साथ ये साइट्रस फ्रूट्स नहीं ले जा पाते, उनमें विटामिन सी की कमी होती है, इस वजह से ये बारबोसा के जो दांत दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार की स्कर्वी की जो बीमारी है वह पाई जाती है, और इस वजह से जो समुद्र के यात्री जो होते हैं उनमें ज्यादा प्रमाण में स्कर्वी होने के चांसेस रहते हैं। जो लंबे वक्त तक स्मोकिंग कर रहे हैं उन व्यक्ति में क्या होता है कि यह विटामिन सी की कमी होती है और उस वजह से कोलाजन की पर्याप्त मात्रा नहीं बन पाती, उस वजह से ब्लड वेसल्स होती है वह डैमेज होती है, इस वजह से हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, यह डैमेज होने की वजह से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता और हार्ट का जो पंप करने का जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसी कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। तो स्मोकिंग और जो हार्ट अटैक है वह इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही में यह अगर जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है उनको डैमेज होता है, उनकी जो कोलाजन टिश्यू सही से नहीं बन पाती, तो वह ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं स्ट्रोक्स। वो जो ब्लड वेसल्स होती है वहां से डैमेज हो जाती है, उसमें से ब्लड निकल के बाहर आता है और उस वजह से ब्रेन के जो उतना हिस्सा है उसको ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाता, उस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जो है वह भी यह जो कोलाजन जो है उससे जुड़े हुए हैं, और जो कोलाजन की जो मात्रा होती है जो वह विटामिन सी के द्वारा बनाई जाती है, तो विटामिन सी जो है उसकी कमी जब होती है तो ये जो स्ट्रोक और जो हार्ट अटैक है उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा विटामिन सी की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी, विटामिन सी कितनी मात्रा में रेगुलरली हमें खुराक के माध्यम से लेना चाहिए उसकी हमने बात करी, विटामिन सी किस प्रकार के खाने के द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है उसकी हमने बात करी, हाई रिस्क पॉपुलेशन यानी कि किन लोगों में विटामिन सी की कमी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उनकी हमने बात करी, विटामिन सी की कमी होने की वाली जो कंडीशन है स्कर्वी उसकी हमने बात करी, और जिन लोगों में इसमें विटामिन सी की कमी पाई जाती है उन लोगों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसकी हमने बात करी। साथ ही में इस वीडियो में हमने देखा बारबोसा के दांत खराब होने की वजह भी हमने इस वीडियो में बात करी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।